नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रुतवा आड़े आ गया। इतने अच्छे से डीडीसी के चुनाव हुए, पीसफुली फ्री एंड फेयर चुनाव हुए, किसी तरह की घटना नहीं हुई। और आपको ये भी बताते चले, जो जमातें बार बार बाइकॉट की बात करती थी, उन जमातों ने भी शिरकत की, लेकिन रुतबे को लेकर के डीडीसी के सदस्य नाराज हो गए। चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो वाइस चेयरमैन हो, चाहे सदस्य हो, सबके सब यूनाइट है। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके, चाहे दोनों के 36 का आंकड़ा हो विचारधारा को लेकर के, लेकिन रुतबे पर लेकर के किसी तरह का समझौता वो नहीं कर रहे। रुतबा या प्रोटोकॉल अब सीधा सीधा आड़े आ गया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, जितनी भी जमाते हैं, सियासी जमाते हैं, यूटी जम्मू कश्मीर में जितने भी सांसद जमाते हैं, सब के सब सदस्य जो है यूनाइट हो चुके हैं और सीधी सीधी डिमांड कर रहे हैं कि जो कल आदेश सरकार की तरफ से जारी किया है प्रोटोकॉल को लेकर के, वो आदेश वापस होना चाहिए। उनका कहना है कि बाकी जो यूटीज हैं उनकी पैटर्न पर इस यहाँ पर भी प्रोटोकॉल डिसाइड होना चाहिए। उनका कहना है कि जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट का दर्जा देना चाहिए, जो वाइस चेयरमैन है उसको MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और जो सदस्य हैं उनको MLA बनाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कितनी नाराजगी है उनमें। नंदा तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नंदा तेरी तानाशाही, हाय हाय। चीफ सेक्रेटरी, हाय हाय। चीफ सेक्रेटरी, हाय हाय। और पहले खेलने खिलाओ यार। आवाज दो, एक है। आवाज दो, एक है। जहां फोटो कल शाम का आर्डर जो हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से शाया हुआ है, उसमें आप जानते हैं कि किस किस्म की प्रोटोकॉल और किस किस्म की ऑनरेरियम दिया गया है मेंबर्स को और DDC को। ये सरासर धोखा है। हमारे साथ जाती तौर पे धोखा नहीं है, ये सरासर आवाम के साथ धोखा है, जिस आवाम ने इन मेंबरान को इस उम्मीद के साथ चुन के भेजा था कि ये जो हमारे रुके हुए काम हैं, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो फिल होगा। इस किस्म के प्रोटोकॉल से, इस किस्म के ऑनरेरियम से, इस किस्म की पावर से वो वैक्यूम फिल होने वाला नहीं है। उसमें जाबता ये था कि BDC मेंबरान खुद में से एक किसी को चुन के DDC का चेयरपर्सन बनाएंगे। साल 2000 में उस एक्ट में अमेंडमेंट करके, तरमीम करके इसको जनरल इलेक्शन बना दिया गया। अब जब जनरल इलेक्शन होता है, लोग डायरेक्टली वोट करते हैं किसी एक मेंबर को, तो उसमें उम्मीदें भी ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। अब ये लोग जो हैं, यहाँ MLA तो नहीं है, यहाँ कोई कैबिनेट नहीं है, यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो लोगों की तमाम कुल उम्मीद जो है वो इन मेंबरान के साथ वाबस्ता थी। और कहा भी गया था, और 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी ये जाब्ता मौजूद है कि इनको एम्पावर किया जाएगा। पंचायती राज सिस्टम का 3rd tier कंप्लीट हो गया है और इनको एम्पावर किया जाएगा। तो ये कौन सी एम्पावरमेंट है कि अगर DDC के चेयरपर्सन को DIVGAM का प्रोटोकॉल देते हैं, जो DDC के मेंबरान हैं 20-20 25-25 30-30 पंचायतों पे जीत के आए हैं, 30,000 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको आप 15,000 का ऑनरेरियम देते हैं और उनको आप BDC मेंबर और ज़िला के तरक्याती कमिश्नर के बराबर का प्रोटोकॉल देते हैं। और वो प्रोटोकॉल भी आप जानते हैं, गुज़श्ता 2 सालों में जो BDC लोग हैं, इन BDC को भी यही प्रोटोकॉल दिया गया था, मगर ऑन ग्राउंड अमली जामा नहीं पहलाया गया। केंद्र सरकार ने पंचायतों को सशक्त करने का वादा किया था, और इस वादे के साथ पहली मर्तबा 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया गया, और पहली मर्तबा BDC के चुनाव हुए और उसके बाद DDC के चुनाव हुए। DDC के चुनाव किस माहौल में हुए हम सब जानते हैं, और किस तरीके से सभी सियासी जमातों ने इसमें शिरकत की। लेकिन जो सदस्य हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन हैं या फिर सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। जिस तरीके से प्रोटोकॉल का वादा किया गया था, उस प्रोटोकॉल को नहीं निभाया गया है, ना ही सरकार ने किसी दूसरे यूटी के फार्मूले को इख्तियार करने का प्रयास किया है, और जबरन हम पे इस तरह का प्रोटोकॉल थोपा गया है जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 370 तोड़ने के बाद जो ये DDC के अलग 3-tier सिस्टम, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो, वो बड़ा अच्छा काम किया, इलेक्शन कराए, 3-tier सिस्टम भी किया, बहुत ही सराहनीय काम था। लेकिन अब जब प्रोटोकॉल की बात बारी आई, तो जो कल निकला है, कल प्रोटोकॉल में जो निकला है, वो हमें एक भी, जो हम DDC यहाँ इलेक्ट होके आए हैं,
वो हमें अच्छा नहीं लगा, वो सिस्टम ही नहीं है। तो ये पहले बोलते थे कि जो चेयरपर्सन हो गए जिले के उनको कैबिनेट रैंक का दिया जाएगा, फिर MOS का दिया जाएगा 22 को, तो ये तो बिल्कुल ही इन्होंने जो हनरेरियम है 15,000 BDC तो DDC को भी 15,000, फिर तीसरे टायर की क्या जरूरत है, वो तीसरा टायर कराया है तो फिर सिस्टम भी तो ठीक रखना चाहिए था ना। हम आज यही रोष है हमारा कि ये प्रोटोकॉल में सही रखें, जो आदमी एक DDC मेंबर जीता है उसकी 20-21 पंचायतें हैं उसको दे रहे हैं 500 रुपया तेल का या 1,000 रुपया तेल का, ये सरासर गलत किया है। इनका रवैया जो बिल्कुल गलत था, इन्होंने फ्रंट लाइन को लास्ट लाइन में ला के खड़ा कर दिया है। जो वादे इन्होंने हमें बताए थे, जिस तरीके से इन्होंने पहले जो चार्टर और नोटिस निकाले थे इलेक्शन के पहले, वो इस तरीके के थे कि इन्होंने इलेक्शन जो है MLA के तरीके से करवाई, और आज जब इन्होंने कल ही वो निकाला है नोटिफिकेशन जिसमें ये आया है कि हमको मेंबर को 28th नंबर पे रखा गया है, 26th पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को 27th पे, तो सभी ने बाकआउट कर दिया है, कोई भी मेंबर और कोई भी अपना वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है वो अंदर नहीं गया है, सभी इधर अटेनी में सभी बाहर बैठे हैं। इन्होंने अपने पैसे कलेक्शन करके अपना खान पान का इन्होंने अपना बंदोबस्त किया है और खुद, और आप एक चीज़ भाई साहब ये देख लीजिए, जितना बंदोबस्त इन लोगों ने किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनके अगर आप बिल देखोगे तो लाखों में होंगे इनके बिल। जो इनका जो एक टूर होता है, इन्होंने चाहे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो तो इनका वो टूर होता है। तो हम लोग जो नुमाइंदे चुन के आए हैं, हमें लोगों ने चुना है, हमने भी लोगों में जाना, और बहुत इन्होंने नाइंसाफ़ी की है। एक 13,000 तनख्वाह करने के बाद 500 रुपया इन्होंने फ़ोन चार्ज और 1500 इन्होंने जो TA रखा है उसको लेके सारे जो मेरे साथी हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और सभी ने वॉकआउट कर दिया है। खाना अपने जेब से इन्होंने पैसे डाल के मंगवाया कि हम खाना जो है खाना अपने से खा रहे हैं, और जो सारा भी बंदोबस्त जो भी बंदोबस्त है इन्होंने अपनी जेब से किया है। दर्शकों, बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और कई अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म में ये कहा कि हमने DDC के ईमानदाराना तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव करवाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी होती है, उस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार और अपनी पीठ थपथपाती है कि सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के सामने आई और कश्मीर में भी अपना खाता खोला। लेकिन जब देने की बारी आती है प्रोटोकॉल का या फिर रुतबा देने की बारी आती है तो तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो हाथ खींच लेती है। इसी रवैये से कहीं ना कहीं चेयरमैन, चाहे वो BJP से ताल्लुक रखते हो, चेयरमैन या NCC से ताल्लुक रखते हो या दूसरी दीगर जमातों से ताल्लुक रखते हो, सबके सब एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, सीधी चेतावनी दिया कि जब तक आदेश वापस नहीं होगा ऐसा आंदोलन चलता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एड्रेस करना था DDC मेंबर्स को इंक्लूडिंग ऑल चेयरमैन ऑल्सो, तो इसके बजाय ये दुखदायक घटना हो गई है। रात को उन्होंने एक प्रोटोकॉल और तनख्वाहें, सैलरीज, ऑनरेरियम्स जो नियुक्त किए हैं वो लोगों को रास नहीं आए, और मैं भी इनके साथ हूँ, लोगों के साथ हूँ, मेरे भाइयों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ। सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए और रिवोक करके नया ऑर्डर इन ए डे आर सो इसको भेजना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। और हमारा मकसद कोई तनख्वाह लेना नहीं है या, लेकिन पावर्स लेना, हमारा प्रोटोकॉल तय करना, ये हमारा मकसद है, और ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। ये ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम कभी नहीं चाहता है कि लोगों का चुने हुए नुमाइंदे उनसे ऊपर हो जाएं। और हमने जब मैं MLA था या मिनिस्टर थे, MLA की हैसियत से हमने उस वक्त अवाबदी चीफ सेक्रेटरी अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किया था, वो भी ऐसे नहीं दिया था, वो भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा था। मेरे भाई और बहनों सुन लीजिए, उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा था, असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और बाहर भी हमने किया था, तब जा करके हमारा प्रोटोकॉल तय हुआ था। आज जो आप कर रहे हो ये स्ट्रगल जो है ये बिल्कुल रंग लाएगी, आपका प्रोटोकॉल भी तय होगा, आपकी पावर्स भी नियुक्त होंगी और आपको यानी जो भी ऑर्डिनेरियम मिलेगा बेस्ट मिलेगा। उसके लिए मैंने सुझाव दिया है, कमेटी बनाए, बाहर से ये रिपोर्ट्स लाए, राजस्थान गवर्नमेंट से लाए, महाराष्ट्र से लाए, ये केरला से लाए, हैदराबाद से लाएं, तमिलनाडु से लाएं, उस पैटर्न पे हमारे लोगों को मिलना चाहिए। हम विपक्ष में ज़रूर हैं,
लेकिन गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं है। हम देश की मजबूती चाहते हैं, देश को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर देश को मजबूत देखना है तो जमहूरियत को मजबूत करो, और जमहूरियत तभी मजबूत होगी उसके बंदे जो लोग चुन के आए हैं उनको खाने पेट उनका भरेगा और वो लोगों का भरेंगे, तभी ये रियासत खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। और ये काबिले अफसोस है, काबिले अफसोस है। मैंने शीतल नंदा जी से मिलकर उनको बता दिया है कि आप इसको रिव्यू करें और इसको बेहतर से बेहतर जो मॉडल है मुल्क के अंदर जो है उसके पैटर्न पर। हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक इज्जतदार पोस्ट हैं, उनको भी आपने डमीन करके रख दिया है कि उनके क्या हकूक रखे हैं आपने। अभी तक बैठने के लिए उनके लिए ऑफिस नहीं है। डीडीसी मेंबर्स क्या सड़कों पर चलेगा, सड़कों पर बात करेगा चल के? उसके लिए भी होना चाहिए। दर्शकों, दो दिवसीय ट्रेनिंग थी, इस दो दिनों में इनको ट्रेन किया जाना चाहिए था, इनको जानकारी दी जानी थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने करनी थी, लेकिन ये सदस्य वाइस चेयरमैन या चेयरमैन वो अंदर पहुंचे ही नहीं और बाहर ही उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी इतनी नाराजगी उनमें व्याप्त थी जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, कितने गुस्से में थे और किस तरीके से और कौन से तेवर उनके पास थे। सारे जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीडीसी मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। हमने दो दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका बाइकाट किया है। आज हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। सरकार ने हमारे साथ ज़बरदस्त धोखा किया है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक ही इंस्टीट्यूशन इस वक्त है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो डीडीसी का है, और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। सरकार ने बड़े ढोल बजा बजा के चुनाव से पहले देश भर में इस बात को कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट को लागू करने जा रहे हैं और हम पूरे अख्तियारात देंगे। ये वादा सरकार ने किया था कि पूरे पावर्स देंगे, मगर जिस तरीके से उन्होंने कल प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट्स आर्डर निकाला है उसमें ज़बरदस्त जिल्लत की है, पोजीशंस को डिग्रेड कर दिया है। और जो बाकी अन्य राज्यों में मुल्क के देश के अन्य प्रदेशों में जो पंचायती राज एक्ट के मेंबर्स को जो प्रोटोकॉल दिया है, जो पावर दिया है, या लेह लद्दाख कौंसिल, हिल कौंसिल का जो प्रोटोकॉल है, या जो मेयर का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल इन्होंने यहाँ नहीं फॉलो किया और ज़बरदस्त जो है हमारी पोजीशंस को डिग्रेड कर दिया गया है। इस साफ साफ बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है नहीं चाहती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उनका हक मिले, वो हावी आप रखना चाहते हैं अपने आप को। इसलिए ये मजाक किया गया है जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों के साथ, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मजाक उड़ाना हुआ। हम ज़बरदस्त मांग करते हैं, हाँ, एलजी साहब से भी और प्रधानमंत्री से भी, कि जो वादा किया था वह पूरा किया जाए। जो स्टेटस है, जो बाहर जिस तरह बाकी प्रदेशों में है चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का और डीडीसी मेंबर्स का, वो स्टेटस प्रोटोकॉल उनको दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के विकास में उनको वो अपना अहम रोल अदा कर सकें। हमारी हम तब तक धरने पे रहेंगे, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक जो पुराना आर्डर रिवोक ना हो और नया आर्डर जो हक है हमारा उसके मुताबिक हमें वो स्टेटस जो है वो जब तक नहीं दिया जाए तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। दर्शकों, कुछ जिलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थी, वहां पर महिलाओं को चेयरमैन बनाया जाना था और मैनी भी, लेकिन आज उनको भी लग रहा है कि वो ठगी गई हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनके साथ भी धोखा हुआ है। जिस तरीके से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को रुतबा दिया गया है वो नाकाफी है और उन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया है। अफसोसनाक बात है कि आज कल ही 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया गया और कल के ही दिन हम लोगों को ये तोहफा दिया गया कि आप लोगों को डिग्रेड करके जो आप लोगों के साथ वादा किया गया था कि आप लोगों को प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जैसे लेह यूटी के अंदर चेयरपर्सन को कैबिनेट का दर्जा, वाइस चेयरपर्सन को एमओएस का दर्जा और मेंबर को एमएलए का दर्जा है, उसी तर्ज पे हम लोगों को भी उम्मीद थी कि हम लोगों को जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इसी तर्ज से हम लोगों को पावर्स दी जाएंगी। लेकिन जब कल प्रोटोकॉल आया, हम लोगों ने जब उस प्रोटोकॉल को पढ़ा तो हम लोग मायूस कुन हुए। जहां जिन जिन इलाकों से हम लोगों ने इलेक्शन लड़ी हैं, हम लोगों ने हज़ारों के हिसाब से, लाखों बल्कि लाखों के हिसाब से लोगों से वादे किए हैं, लोगों की वो उम्मीदें हम लोगों से हैं, और जहां आज असेंबली भी नहीं है
तो उस सूरत में लोगों को एक ही उम्मीद थी कि हम लोग डीडीसी काउंसिल को चुन के, चेयरपर्सन को चुन के, वाइस चेयरपर्सन को चुन के वो अपनी कमियां पूरी कर सकते हैं। एक अल्टरनेट जम्मू कश्मीर को दिया गया था कि इस अल्टरनेट से आप लोगों के उन उम्मीदों पे खरा उतर सकते हो, लेकिन अफसोस कुन बात यह है कि आज हम लोगों को वो पावर्स नहीं मिले हैं। हम आपकी माध्यम से यहाँ जितने भी पूरे यूटी के डीडीसी मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन्स की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इस आर्डर को तरमीम किया जाए, इसको रिवोक किया जाए, हमें लद्दाख के तर्ज पे हम लोगों को पावर्स दी जाएँ। सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन नाराजगी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने सरकार के द्वारा व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया और अपने पैसे कंट्रीब्यूशन कर करके खाने के लिए सामान मंगाया। शुरू से ही जब PRI की इलेक्शन शुरू हुई तो आम चर्चा थी और आम चर्चा भी थी और हमने पिछला जमाना भी देखा है जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी जम्मू और श्रीनगर में, तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग चेयर करते थे हमारे चीफ मिनिस्टर और बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री चेयर करने के लिए जाते थे। और अब इन्होंने कहा था कि जो PRI है इसको हम इम्पावर करेंगे, PRI के लोगों की भागीदारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में होगी, सरकार के कामकाज में होगी, लेकिन जब अभी रुतबा देने की बारी आई, स्टेटस देने की बारी आई तो आज इन्होंने हमें 25वें 26वें पायदान पे रख दिया, डिप काम के बराबर और एडमिनिस्ट्रेटर एक सेक्रेटरी के बराबर हमें रख दिया। चेयरमैन कैसे कॉल करेगा एक फाइनेंशियल कमिश्नर को, कैसे उनसे बात करेगा, कैसे अपनी बात मनवाएगा, तो इस तरह से हमारे साथ इन्होंने धोखा किया एडमिनिस्ट्रेशन ने और हम उसी कल के आर्डर के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं। और हमारे जो DDC के मेंबर हैं, DDC के वाइस चेयरमैन हैं, उनको इज्जत की निगाह से उनका जो रुतबा पांडिचेरी मॉडल पे हमारा PRI सिस्टम ने लागू किया है, जो वहाँ का पांडिचेरी सिस्टम है, पांडिचेरी में जो सिस्टम है हमारे वहाँ चेयरमैन का कैबिनेट का दर्जा है, वाइस चेयरमैन का MOS का है और मेंबर का MLA के बराबर है। हम चाहते हैं वो रुतबा यहाँ पर मिले ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। पैसे की बात नहीं है, पैसे जो 35,000 जो मुझे देना इन्होंने कहा है, मैं कहता हूँ कोई भी सेक्रेटरी अपने खाते में जोड़ ले। इनको एम्पावरमेंट किया जाए, इनको पावरें दी जाएं ताकि जो लोगों का, जनता का काम कर सकें, उनकी डेवलपमेंट करवा सकें। लेकिन कल हमें एक मैसेज मिलता है कि आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग है कन्वेंशन सेंटर में, DDC के मेंबर्स, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन सभी जब आते हैं उसी वक्त शाम को एक आर्डर निकलता है जिसके ऊपर एक प्रोटोकॉल तय किया जाता है, जिसके तहत ये लिखा होता है कि जो मेंबर्स हैं DDC के उनकी 15,000 रुपये और वाइस चेयरमैन की 25 और चेयरमैन की 35,000। और प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो इनका डिविजनल कमीशन का रैंक रहकर ये इनके साथ भद्दा मजाक किया गया, जबकि केंद्र के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और DDC को हम एम्पावरमेंट कर एक नया डेवलपमेंट का रास्ता खोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ के ऑफिसर साहिबान हैं, वो नहीं चाहते कि ये पावर जो है जनता के हाथ जाए, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ जाए। इसलिए सब ने एक इकट्ठे होकर एक दल से ये आवाज़ उठाई है कि हम अपनी आन और शान के लिए जो हमारे साथ भद्दा मजाक किया गया है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ हमारी केंद्र तक जाएगी और केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट को पूछेगी कि इनके साथ क्यों मजाक किया। इसलिए जब तक ये इन्होंने जो कल का आर्डर किया हुआ है प्रोटोकॉल के लिए, जब तक वो रिवोक नहीं होगा, हम उसी तरीके से जैसे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, सदस्य हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, एकजुट हो चुके हैं, सरकार ने जो प्रोटोकॉल डिसाइड किया है उससे खासे खफा हैं, अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है।
लेकिन हम अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उनसे जानते हैं आप किस तरीके से देखते हैं कि जो आज प्रोटेस्ट हुआ रविंद्र जी। देखिए ये निराशा जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले भी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो हेड करते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जी। और आपको याद होगा कि 2012 में जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पे बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव घोषित किए थे जी, कांग्रेस पार्टी ने उस पर एतराज किया था जिसकी वजह से उसको मुलतवी करना पड़ा, पोस्टपोन किया था। उसकी वजह ये थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन पंचायत राज एक्ट में लिखा था कि वो नॉमिनेटेड होंगे जी, वाइस चेयरमैन जो इलेक्टेड होंगे, तो हमने कहा था कि 73 के तहत डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरपर्सन है वो भी इलेक्टेड होने चाहिए जी। तो उसके तहत फिर अमेंडमेंट हुई थी और 2014 में ये अमेंडमेंट की गई जो 14 मार्च 2014 को हुई, गवर्नर साहब ने असेंट दी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी इलेक्टेड होंगे मेंबर्स से जी। तो हालांकि उनको इलेक्ट करना था बीडीसी मेंबर्स और जो विधायक या एमपी जो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हैं जी, लेकिन इन्होंने बाद में डीडीसी मेंबर्स का चुनाव करवा करके और बीडीसी मेंबर जो ब्लॉक गवर्नमेंट काउंसिल के चेयरमैन थे उनको हक महरूम कर दिया जी, और डीडीसी को मेंबर्स को पावर दी, इतना ही अमेंडमेंट की है जी। उस वक्त जो रिकमेंडेशन दी थी आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने एक प्रपोजल बना के दिया था जिसका मेनली जो है वो आथर मैं था जी, पार्टी की तरफ से उसमें पूरी पार्टी की राय शामिल थी और सरनिशोर साहब हमारे अध्यक्ष थे, राहुल गांधी भी यहाँ आए थे, कश्मीर भी गए थे और अल्टीमेटली हमने ये लिखा था कि जब ये चेयरमैन बोर्ड के इलेक्ट हो उनको कम से कम कैबिनेट स्टेटस दिया जाए, कैबिनेट तो नहीं होगी लेकिन उनका रैंक जो है जी कैबिनेट स्टेटस हो, वाइस चेयरमैन को एमओएस हो जी, ताकि वो सारी लोकल सर फॉरवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट में है वो सारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चलानी हो। तो उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग थी और बाद में भी इन्होंने बड़े सपने दिखाए जो मौजूदा सरकार थी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को और इस जोखिम भरे माहौल में सिक्योरिटी के कंसर्न के बावजूद इन लोगों ने चुनाव लड़ा जी। तो आज उनको निराशा दिखनी पड़ रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रविंद्र जी कौन क्या लगता है क्या वजह होगी, क्या कारण लगता है? नहीं कारण यही है कि देखिए बात यह है कि पहले तो यह बड़े सपने भी दिखाए जी इस सरकार ने दिल्ली तक और केंद्र सरकार तक और ये, और अल्टीमेटली उनको उनकी सारी उम्मीदें ग्राउंड हो गई। पहली बात तो यह है कि उनको पर्याप्त दर्जा जो है मिलना चाहिए स्टेटस जी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो तमाम कमिश्नर सेक्रेटरी या उनको वो उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कोई नहीं मानेगा जी, वो डिफेंट रहेंगे। इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पर्याप्त फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल होना चाहिए, डीडीसी मेंबर्स को भी एडिक्वेट फैसिलिटीज हो ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम सके। आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, आप 1500 रुपया आप दे रहे हैं जी, इसका मतलब 150 किलोमीटर वो एक लीटर में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 किलोमीटर गाड़ी चलती है जो बड़ी गाड़ी 10 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर वो पूरे महीने में जाएंगे तो 2 स्टॉप पे कैसे पहुंचे जी। तो इसलिए उनकी कुछ बातें तो बहुत जायज है, उसमें दर्दाना गौर करना चाहिए और ये उनका हक है, लोगों का मैंडेट है, इसलिए उन लोगों को पर्याप्त फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। यानी रविंद्र जी, जी रविंद्र जी आपका कहना है कि सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार है? तो वही है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले भी रुकावटें पैदा करते थे क्योंकि अपनी पावर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जी, चुने हुए नुमाइंदे जो है वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। प्रॉब्लम यही है जी, जो लोग हैं इनमें से कई वो सोचते हैं कि हम ज्यादा काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमहूरियत में लोकशाही है, लोकतंत्र है, उसमें कोई अनपढ़ भी बनेगा तो लोकतंत्र लोगों का ताकत है, चुने हुए नुमाइंदों को आपने रिस्पेक्ट टू ताकत देनी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आप दूसरी तरफ से खुश करते हैं जो उनको मेजर जनरल ब्रिगेड कमांडर वो अलग आर्मी उनके साथ ठीक है जी, जब कुर्सी लगानी होगी तो प्रोटोकॉल की बात होगी वो अलग बात है जी, लेकिन आप एक गलत मैसेज देते हैं जी, और वो अलग हायरार्की है बेल्ट फोर्स और उनको अपना काम है, यस जब आप रैंक दे देंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी बात को उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जी, तो उनकी बात को रिस्पेक्ट करेंगे तो लोगों के मैंडेट का रिस्पेक्ट होगा जी, और लोगों के मैंडेट का रिस्पेक्ट होगा तो काम कर पाएंगे, नहीं तो वो चिट्ठियां लिखते रहेंगे कैसे रहेंगे, मिनिस्टर हमने देखे मिनिस्टर बोर्ड में फैसले हम करते थे, हम भी मेंबर होते थे जी, तो वो बाद में फैसले लागू नहीं होते, 6-6 साल तक कई बार रिकमेंडेशन रही वो
वोट में के कागजों में रही, आपने आप जानते हैं पुराने पत्रकार जी जी, असेंबली के अंदर गहरा यही होता था जी। एमएलए शोर कहते थे कि बोर्ड में जो फैसले हुए वो लागू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये खुद जानते हो ये बोर्ड जो है जी, जो कि बिल्कुल जी पार्टी के जी, आप देख लीजिए कि सियासी तौर पे वो ज्यादा बोर्ड जो है वो बीजेपी के उनके लोग जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ठीक है जी, ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, महंगाई कांग्रेस को एक मुद्दा मिल चुका है। हालांकि पहले प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा कि अभी वक्त नहीं है कि टैक्स लगाया जाए, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और उसके साथ बाकी दीगर वस्तुओं के भी दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस को एक बड़ा सॉलिड मुद्दा मिल चुका है और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर। आज भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई रमन भल्ला, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, क्षमा कीजिए, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन भी वहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं। टैक्स के जरिए एक आतंक है, हर चीज पे टैक्स पे टैक्स है, और एक लीटर पेट्रोल डीजल पे 33 रुपए टैक्स जो है वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है, यूटी गवर्नमेंट उसके अलग कमा रही है। जो पेट्रोल डीजल 33 रुपए लीटर होना चाहिए आज जो है वो 100 रुपया पार कर रहा है। गैस सिलेंडर 2 गुना ज्यादा हो गया है, 400 रुपए से 900 रुपया क्रॉस कर गया है। इसी तरह से आप देखिए, किसान 100 दिन से सड़कों पे है लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं है, किलाबंदी कर दी गई, और इसी तरह मजदूर कोरोना के अंदर मर गया, नोट मंडी में गरीब बैंकों के बाहर मर गया। इसलिए मोदी सरकार की ये नाकामियां हैं, टैक्स आतंक है, इसके विरुद्ध हमारा संघर्ष चलेगा और हम सड़कों पर लड़ेंगे। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।